है ना आपको? नाम बताओ अपना। शैलजा पटेल। शैलजा बिल्कुल। छड़ जाना गल्ला तेरिया तो लगदा यारा वे तू मैनू छड़ जाना वे मैं तो तेरा मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्ला तेरिया तो लगदा यारा गल गल ते सक कर ले एक बार जरा भी नहीं हुण तेरियां अखियां ते मेरे लई प्यार जरा भी नहीं मेरा ते कोई है नहीं तेरे बिन मेरा ते कोई है नहीं तेरे बिन तेनू मिल जाना किसे दा सहारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्ला तेरियां तो लगदा यारा कासे सा हो सकदा रब दे पैरी पै जांदे तेरी जगह पे जानी मौत मैनू ले जांदी जो तू न मिला मानेंगे वो दहलीज नहीं होती रब नाम की यार है। सर वीडियो बना रहा हूँ पूर्व नेक्स्ट।
पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष वर्तमान में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये विद्यालय का संचालन हो रहा है। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरपाटन के प्राचार्य सम्मानी अनिल सिंह जी, इस विद्यालय को इस गति तक यहाँ तक पहुँचाने में अपना योगदान देने वाले आदरणीय राजेंद्र सिंह परिहार साहब, आदरणीय डीसी पटेल साहब, जिनका मार्गदर्शन हमेशा इस विद्यालय को प्राप्त होता है और उनके मार्गदर्शन में यह विद्यालय वर्तमान में संचालित है। सतना से हमारे मित्र श्री दिलीप सिंह जी, जो कांग्रेस कमेटी सतना के उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय गिब्बा भाई के सुपुत्र श्री संतोष प्रजापति जी, मंच पर विराजमान चुराटा हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ आदरणीय सुरेश पटेल साहब, आदरणीय हरप्रसाद पटेल साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे आदरणीय अभिभावकगण, जिनका इस विद्यालय को हमेशा सहयोग प्राप्त होता है, और हमारे बड़े भाई सामने बैठे हैं जो चुराटा त्योंगरी हायर सेकेंडरी स्कूल में क्लर्क के पद पर पदस्थ हैं। अमरपाट रामनगर स्कूल का संचालन देख रहे कर रहे अरुण पटेल जी, और हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित इस विद्यालय के शिक्षकगण, जिनका हमेशा अथक प्रयास होता है इस विद्यालय को कैसे संचालित किया जाए। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सामने बैठे हुए छात्र छात्राओं, निश्चित रूप से मैं आपका इस विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक वंदन स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप सबको विदित है, खंड खंड भारत को अखंड भारत का स्वरूप देने वाले महामानव सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती 31 अक्टूबर को आयोजित की जाती है। उसी दिन इस विद्यालय के माध्यम से साइंस से संबंधित एक परीक्षा फ्लैट एग्जाम, जिसका नाम दिया गया था, सतना जिले में आयोजित की गई थी। आज उसका परिणाम आप सबके बीच माननीय अतिथियों के माध्यम से आप सबके बीच होगा। मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कुछ बच्चों ने ही उस कंपटीशन में पहला दूसरा तीसरा रैंक लाया होगा। लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप हताश मत होना, आप नर्वस मत होना कि मेरा नंबर क्यों नहीं आया, क्योंकि जो आगे बढ़ता है कहीं ना कहीं उसी में रुकावट आती है। अगली बार आपका भी नंबर आ सकता है,
इसलिए आप हताश मत होना। और एक चीज और कहना चाहता हूँ, यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके अंदर संयम, साहस और ताकत तीनों का सामंजस्य आपको बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। चूंकि मेरी मनसा थी, मैंने 2002 में 17 में स्कूल खोला था, उसके पश्चात मुझे ऐसा लगा कि 17 साल के अंदर तो हर बच्चे को कहीं न कहीं शिक्षा का अच्छा अवसर मिलता है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है, करती भी हैं। क्यों ना हम गांव की ओर चलें? और वही मेरे मन में चलने लगा कि महानगरों की जो शिक्षा है उसको गांव गांव तक कैसे ले जाए। ये मेरे मन में एक पीड़ा थी, सोच थी, और वही पीड़ा को कहीं न कहीं अपने ऊपर लेकर के और मैं सतना से अमरपाटन, अमरपाटन से रामनगर की ओर बढ़ा। चूंकि ये कहीं न कहीं हमारे नजदीकी शहर थे, यहाँ से मैं भली भांति अपने आप को जानता था कि मैं यहाँ कर सकता हूँ और मैंने किया। इसलिए मैं अभी कोशिश करता हूँ कि जो आपको शिक्षा महानगरों में प्राप्त होती है, जैसे जो आपका एग्जाम में साइंस से संबंधित हुआ था, ये IIT, NIT और नीट से संबंधित था, जो भी पेपर इसमें आया था, आप ये मत मानिए कि ये पेपर केवल यहीं के लोग बना लिए थे। इसमें हम लोगों ने कोटा, दिल्ली, जो बड़ी बड़ी कोचिंग चलती है, जिनके मार्गदर्शन में बच्चे IIT, NIT, नीट या बहुत बड़े एग्जाम फाइट करते हैं, हम लोगों ने उनके मार्गदर्शन में ये पेपर करवाया है। और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी इस प्रकार से पेपर करवा के और आपको महानगरों में जो शिक्षा प्राप्त होती है वो आपके अमरपाटन, रामनगर में भी प्राप्त हो और आपको एक सही दिशा मिल सके, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। चूंकि समय कम भी है, मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूँ कि पहले हम लोग सुना करते थे कि टाइम इज गोल्ड, अक्सर सुना करते थे जब लोग हम लोग पढ़ते थे। चूंकि हम लोगों का स्टेशन शहर में हुआ, सतना में हुआ, तो अक्सर लोग बात कहा करते थे टाइम को मत गवाओ, टाइम इज गोल्ड। लेकिन मैं ये मानता हूँ इस सम्मान समारोह में उपस्थित थे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय गेंदलाल जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष सुहावल, विभाग से सेवानिवृत्त शिक्षक और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय DC पटेल साहब, प्रजापति जी, आदरणीय पटेल जी, भाई सुरेश पटेल जी, आदरणीय पटेल जी ज्योत्सनाथ प्रसमर पाटन, हमारे त्योंधरी विद्यालय में लेखापाल पद पर पदस्थ आदरणीय भाई उमाशंकर पटेल जी, अन्य अभिभावक बंधु और इस विद्यालय को गति प्रदान करने वाले मृदुभाषी मिलनसार व्यक्तित्व के धनी आदरणीय रमाशंकर पटेल जी, इस विद्यालय को संचालित करने वाली यहाँ की प्राचार्य सम्माननीय रचना पटेल जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, यहाँ की ये जो बच्चियां
अभी ओलंपियाड में अपना स्थान दर्ज कराई है। अनु पटेल तो जो जा रहे हैं उनको बोल दीजिएगा कि बेटा आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम क्रॉस करने वाला बेटा अमन पटेल इस विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियों अन्य विद्यालय से भी मेरे विद्यालय से भी कुछ छात्राएं आई जो छात्रों की प्रतिभा में कंपटीशन लाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए मैं इस विद्यालय को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि ये इसी तरह से छात्राओं में छात्राओं की प्रतिभा को निखारने के लिए अन्य कंपटीशन आयोजित करते रहे क्योंकि किसी बच्चे को अगर आगे बढ़ाना है कि संचालक महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया और आप सबके बीच में उपस्थित होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तू प्यारा वे तू मैनु छड़ जाना गल्ला तेरिया तो लगदा है। तीन पंक्तियों के साथ सब सब सबल बच्चों शांत रहो। कर दो सामने बैठे हो हल्ला कर रहे हो। जिसने वाणी दिया है जिसने शब्द दिया है जिसने संस्कार दिया है और जिसने आचरण दिया है तू तोला अमृत का प्याला दे हमें। तू नामृत का प्याला दे हमें। एक रोटी खाने वाला दे हमें। जिस गढ़ पढ़कर एक हो अहले वतन जिसको पढ़कर एक हो अहले वतन। एक छोटी सी रिसाला दे हमें। सीख पाए जहां हम इंसान हैं सीख पाए जहां हम इंसानियत एक ऐसी पाठशाला दे हमें। एक ऐसी शिक्षाला दे हमें। उन्हें अपने देश के प्रति अपनी पंक्तियों के साथ नमन करो। सदा उस देश की धरती का हम गुणगान करते हैं। सदा उस देश की धरती का हम गुणगान करते हैं जहां भगवान जूठे पेड़ का जलपान करते हैं। हम उन वीरों को निस्दिन याद कर प्रणाम करते हैं जो अपनी जान भारत माँ को हंसकर दान करते हैं। आज इस विद्यालय के इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय गेंद्रलाल पटेल जी इसके कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्मानीय अनिल सिंह जी प्राचार्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमर पाटन यहाँ पर पधारे। उनके पिताजी का नाम बहुत प्रसिद्ध था दीपक भाई का। उनके सुपुत्र भी यहाँ मौजूद हैं। हम नहीं पूरे प्रदेश तक तो हम जानते हैं कि जानता है देश के बारे में ज्यादा नहीं कह सकते। और सम्मानीय पटेल जी आदरणीय पटेल जी सम्मानीय अनिल सिंह जी के बाजू में जो बैठे हुए हैं सम्मानीय सुरेश पटेल जी जिनका बहुत पहले से मेरा लगाव था। और इस विद्यालय में थोड़ा सा मुझे जो कुछ मिला मैंने सीखा जाना उन्हीं की देन थी। मैंने विद्यालय को कुछ नहीं दिया विद्यालय से दिया है।
इसके बाद हमारे आदरणीय पटेल जी भी और यहाँ प्रसिद्ध शिक्षाविद केमिस्ट्री के व्याख्याता सम्मानी तिवारी जी जो कप्तान की उत्तर माध्यमिक विद्यालय कानसोड़ा में पदस्थ है और आदरणीय उमा शंकर जी पटेल क्योंकि वो हमारे डायरेक्टर महोदय के बड़े भ्राता जी हैं। इस के डायरेक्टर सम्मानी रमाशंकर पटेल जी डॉक्टर साहब के पहले भी मुलाकात हम लोगों से उन्होंने किया था। इस विद्यालय के प्राचार्य रामनगर विद्यालय के प्राचार्य और साधना संस्था के प्राचार्य और सभी टीचर्स मैडम बालक बालिकाएं यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वजन सभी अभिभावक और जो शोभा बढ़ा रहे हैं यहाँ के छात्र और छात्राएं और अन्य विद्यालय से जो भी छात्र छात्राएं आए हैं उन्हें बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को गति दूं। अन्य महाविद्यालय इतने थे और उस समय में उनको एक पास दिया और एक शिक्षक के रूप में उन्होंने जबकि उन्हें कहीं और जाना चाहिए था उस समय उनका नाम एक अच्छे छात्रों में गिना जाता था मुझे याद है और प्रेम से जब लोग नाम लेते थे तो बुद्धि कहा करते थे जैसी बुद्धि उनका नाम था वैसे वैसे बुद्धि भी थी। इस क्षेत्र के वो जाने माने एक अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे उस समय के लेकिन समय की बात होती है जैसा आदरणीय रमाशंकर जी ने कहा टाइम इज मनी समय को हमें बांधना जो भागने का प्रयास करता है ये बात भी सही है। आज पहले छोटे से मकान में ये विद्यालय संचालित था मुझे भी मौका मिला जो मुझसे बन पड़ा मैंने प्रयास किया। इसके बाद जब ये जमीन क्रय कर गई तब भी मुझे अवगत कराया गया मुझे अपार हर्ष हुआ। अभी डायरेक्टर साहब ने बताया कि फिर प्रतियोगिता जो हुई थी उसमें यहाँ के बच्चे ने सतना में संचालित दो विद्यालय है प्रदेश में प्रथम स्थान पाया था। मैं भी अखबार के माध्यम से पढ़ा था व्हाट्सएप में भी आया था उस समय भी मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई थी। बहुत से कार्यक्रम होते हैं बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं कि हमको कंपटीशन में भाग लेने का क्या प्रभाव पड़ता है। आईटी की प्रतियोगिता जो टाटा के माध्यम से होती है मैं अपने बच्चों को लेकर के भोपाल 4 साल गया और लोग नहीं जानते कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। 51,000 रुपये प्रथम पुरस्कार वहां पर था और बड़े हर्ष की बात है शासकीय स्कूल मॉडल स्कूल दमोह के लड़कों ने हर प्रश्न का उत्तर दिया था और उन्हें आशा किया गया था बेंगलोर जाने का और टाटा की ओर से पूरा खर्च था हवाई जहाज के माध्यम से उनको बेंगलोर में नेशनल कंपटीशन में भाग लेना था और 1,51,000 का पुरस्कार प्राप्त थे। यदि बच्चों में ऐसी क्षमता है तो हमारा भी धर्म होता है शिक्षकों का धर्म होता है कि उन्हें आगे बढ़ाएं। समय कम है मुझे खुशी है यह विद्यालय निरंतर प्रयासरत है। बाल रंग प्रतियोगिता में मैंने स्टेट लेवल में कई पुरस्कार प्रथम दिलाए हैं डिवीजनल जो टीम गई थी उसमें भी मैं गेमर के रूप में था और कई अपने यहाँ के लड़कों ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। जब उस समय इतने बड़े हमारे पुराने साथी प्रसाद पटेल जी सामने बैठे हुए आदरणीय दिनेश पटेल जी यहाँ के संचालक विद्यालय के संचालक आदरणीय रमाशंकर पटेल जी उनके बड़े भाई आदरणीय उमेश पटेल जी डॉक्टर साहब
और यहाँ की प्राचार्य रचना पटेल जी, भाई अमन पटेल जी छात्र, और यहाँ पर उपस्थित सभी जो यहाँ पर उपस्थित अभिभावकगण, माताएं, प्यारे बच्चों, आप थोड़ी शांत बैठिए, बैठे आप काफी समय से हैं, थोड़ी और कुछ इंतजार का फल मीठा होगा, इंतजार करिए कुछ फल मिलेगा, ठीक है ना। 10-15 मिनट में सभी को प्रमाण पत्र मिलेगा, फिर आप लोगों को घर जाने का समय आएगा। बच्चों आज बहुत खुशी की बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से उनके जयंती के शुभ अवसर पर जो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जैसा संचालक आदरणीय डॉक्टर साहब और सभी लोगों ने बताया कि जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं इस विद्यालय के अलावा भी ऐसे कंपटीशन में भाग लें, जो IIT अन्य जगह, तो उनका एक अनुभव भी होता है आगे कंपटीशन, जो कि अब समय बदल गया है, 95% 98% 92% से ऊपर जो छात्र जाएंगे वही कंपटीशन में आगे आ पाते हैं। बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है, और वह निश्चित रूप से एक अनुभव होता है जो गांव में, और यहाँ ये प्रतियोगिता नहीं होती थी तो हमारे बच्चों को जानकारी, हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग को खुद कुछ नहीं मालूम रहता था, क्योंकि अभिभावक को मालूम नहीं था कि बच्चे को किधर ले जाए। अब सब कुछ अभिभावक को भी मालूम होने लगा कि हमारा बच्चा किस लाइन तरफ पढ़ाई कर रहा, वैज्ञानिक बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कि नेता बनना चाहता है। उस हिसाब से भी अभिभावक गाइडलाइन करते हैं, मेहनत आप लोगों को करना है, बच्चों को करना है। आप लोग जब मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आप कंपटीशन में भाग ले करके जब प्रथम स्थान प्राप्त करते हो तो अपने माँ बाप का नाम तो रोशन करते हो, उस विद्यालय का, उस गांव का, उस जिले का भी नाम रोशन करते हो, तो हम लोगों का भी नाम रोशन हो जाता है। बच्चों इसलिए बहुत यहाँ के डायरेक्टर महोदय ने बहुत अच्छी पहल किया है, जो हम सब के प्रेरणा स्रोत और इस खंड खंड भारत को 662 रियासतों में, जो 562 रियासतों में बटा हुआ ये भारत देश था, उसको एक करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस भारत को एक किया। ऐसे महापुरुष की जयंती में ऐसा आयोजन उन्होंने किया। इस अवसर पर उनके विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप लोगों को जाना भी है। निश्चित मैं ये कहूंगा कि आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। अभी हमारे सुब्बा राव जी का निधन हो गया। सुब्बा राव जी एक बार विदेश गए थे, विदेश गए अमेरिका अन्य देशों में, जहाँ नेता लोग भी सड़क बना रहे थे, काम कर रहे थे, पढ़े लिखे सूटेड टूटेड लोग काम कर रहे थे। उन्होंने देखा ये तो बढ़िया अच्छे कपड़े पहने हैं, ये रोड बना रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि ये भाई कौन है, पढ़े लिखे अच्छे बने बने उसमें है, इसके बाद भी रोड बना रहे, क्योंकि वहाँ उस देश में सभी लोग शिक्षित थे, शिक्षा तो सबको मिल गई, पर वो काम जरूरी है, रोड बनना जरूरी है, बिल्डिंग बनेगी, पढ़ाई का मतलब